तो गाइस कैसे हैं? आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.5। इतना जी एक्सरसाइज 5.5। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का जितना भी फार्मूला था सारे हम लोगों ने देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज इसको लॉगरिथमिक स्टार्ट करते हैं। ये है आप एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्या कह रहा है, दिया है कि लेट y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए आप इसको सिंपल से बनाइएगा तो ये बनेगा, लेकिन क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो इस समय को बचाने के लिए हम करेंगे क्या, इसको लॉग लेकर कैसे लेना है, क्या करना है कि लिखना है कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, इतना कर दिए। उसके बाद हो जाएगा ये लॉग वाई इक्वल लॉग एक्स लॉग कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब लॉग वाला फार्मूला आप लगाइए। लॉग वाला फार्मूला क्या होता है, लॉग एम इंटू एन इक्वल टू होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। यहाँ एम एन पी रहे तो एक और प्लस में बढ़ जाएगा, यानी जितना भी बढ़ेगा उस प्लस में सारा होता जाएगा, यानी गुणा में आएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा log y log cos x प्लस log cos 2x और प्लस log cos 3x होगा, ठीक ना। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे डब्ल्यू आर टी एक्स, यानी कि देखिए log y क्या हो जाएगा, जब वन पावर वाला रहे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई का क्या हो जाएगा, वन बाई वाई। लॉग किसके है, वाई के रिस्पेक्ट में है, तो हमको इसके एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यानी कि वाई डिवाई बटा डी एक्स। इसके बाद इसका क्या होगा, देखिए पहले लॉग का होगा फिर कॉस एक्स का, कॉस का होगा फिर एक्स का एंगल का होगा। तो लॉग के लिए हो जाएगा वन बाई कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, समझ में आ रहा है ना, प्लस फिर यहाँ लॉग का होगा तो लॉग ये क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस टू एक्स। इसके बाद इंटू कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। अच्छा इसके बाद इसके एंगल का भी तो होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर प्लस 1 बाई लॉग का हो जाएगा cos 3x इन टू cos का हो जाएगा माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x और फिर 3x का हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई वाई डीवाई बटा dx, ये हो जाएगा साइन बटा cos माइनस 10x आप प्लस ये 2 आ जाएगा इधर और यहाँ पे प्लस माइनस मिलते माइनस हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा tan 2x और माइनस 3 tan 3x, ठीक है। देखिए sin 3x बटा cos 3x tan 3x हो जाएगा। अब देखिए इसमें से माइनस कमन कर लीजिए और इस y को उधर भेज दीजिए, यानी कि dy बटा dx माइनस कमन कर लिए और यहाँ हो जाएगा tan x माइनस सॉरी प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। अब y का मान जो है उसको रख दीजिए यहाँ पे, यानी कि dy बटा dx इक्वल टू माइनस cos x cos 2x cos 3x और यहाँ हो जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये रहा है आपका ये क्वेश्चन नंबर टू क्या कर रहा है। देखिए इसको भी हम बनाएंगे लॉग लेंगे, तो सबसे पहले लॉग लेंगे क्या, रूट को हटाएंगे। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे y इक्वल टू, इसको बड़ा कर लेते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 बटा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और रूट के लिए होता है 1/2। अब लॉग लीजिए आसान हो जाएगा, लॉग लेने पर दोनों तरफ लिख लीजिए यहाँ पे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग वाई और ये हो जाएगा लॉग x माइनस वाई x माइनस 2 सॉरी x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 का पावर 1/2। फिर लॉग वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है लॉग वाला, लॉग m के पावर n, तो क्या हो जाएगा लॉग n m n पहले आ जाएगा पावर तो इंटू में आ जाता है, यानी कि हो जाएगा लॉग y 1/2 लॉग और इसको भी लगा दीजिए, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, यहीं पे लगा देते हैं हम लॉग एम बटा एन, यानी कि लॉग एम माइनस लॉग एन। देखिए ये तो पावर आया लेकिन ये भी लॉग एम बटा एन, यानी कि ये भी इसको भी हम लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 माइनस
लॉग एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव हो गया। अब इसको लॉग इंटू एम एन लगा दे, लॉग एम इंटू एन पे, तो लॉग एम प्लस एन हो जाएगा, लॉग लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एम इंटू एन पे है, इसको भी लगा देते हैं, तो लॉग वाई वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू माइनस माइनस से प्लस से तो होगा लेकिन माइनस से जब मल्टीप्लाई करेगा तो सब माइनस में हो जाएगा, यानी कि लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव। ठीक है, ये रहा। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, अब आसान होगा आपको बनाने में। देखिए हो गया यहाँ तक, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग। देखिए इसको आप यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लिखिएगा कि डिफ्रेंशिएशन डब्ल्यू आर टी एक्स। ठीक है, इसको करना है। देखिए लॉग जो है वाई के रिस्पेक्ट में है, इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे वन बाई वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये वन बाई टू रहेगा। अब देखिए पहले लॉग का फिर इसका, तो लॉग का हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस वन। अच्छा, एक्स माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो एक्स का वन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखे चाहे देखो छोड़ दीजिए। अब फिर लॉग का क्या हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस टू, यहाँ भी एक्स माइनस टू का एक्स का हो जाएगा वन और टू का हो जाएगा जीरो, एक में गुणा होगा तो फिर उतना ही आ जाएगा, इसलिए इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ भी हो जाएगा वन माइनस एक्स वन बाई एक्स माइनस थ्री और वन बाई एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव। ठीक है, अब इस वाई को इधर भेज देते हैं, यानी कि डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू वाई वन बाई एक्स माइनस वाई प्लस वन बाई एक्स माइनस टू सॉरी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, यहाँ हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव। अब इस वाई का मान रख दीजिए, वाई का मान क्या था डी वाई बटा डी एक्स वन बाई टू रूट अंडर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इंटू वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन के तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन जो है बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन आ गया फंक्शन के पावर क्या है, फंक्शन के पावर फंक्शन, इसको भी लॉग लेके बनाएंगे। तो देखिए लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, ये हो जाएगा लॉग वाई लॉग लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स आ गया। अब इसकी लॉग एम एन के एम के पावर एन पे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा लॉग वाई कॉस एक्स लॉग लॉग एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका किस पे टूटेगा ये, तो प्रोडक्ट रूल पे एम इंटू एम पे, तो ये हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए तो हो जाएगा ये वन वाई वाई डी वाई बटा डी एक्स। चलिए अब देखिए इसमें से किसी को कॉन्सेप्ट कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कॉन्सेप्ट कर लेता हूं दूसरे को, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स लॉग लॉग एक्स और इंटू कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस अब कॉस को हम लोग कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, इसका करेंगे। देखिए इसमें पहले लॉग का होगा फिर लॉग एक्स का हो जाएगा, तो लॉग के लिए वन बाई लॉग एक्स और लॉग एक्स के लिए वन बाई एक्स। ठीक है, हो जाएगा ना। अब इसको हम काम करते हैं वन बाई वाई डी वाई बटा डी एक्स, इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, साइन एक्स लॉग लॉग एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस एक्स बटा एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अगर चाहे तो आप इसको लघुतम कर सकते हैं या फिर यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इस वाई को उधर भेज दीजिए, तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वाई, इसको पहले इसको बाद में लिख देते हैं ताकि अच्छा लगेगा यहाँ पे, तो कॉस एक्स बटा एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स। ठीक है, ये हो गया, और y का मान क्या है उसको यहाँ पे रख देते हैं, तो y का मान है मेरा
लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बट्टा एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग लॉग एक्स, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो हमें उम्मीद होगा कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो यदि आप चैनल पर इस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।